चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। राजस्थान राज्य के दौसा जनपद में जिला मुख्यालय दौसा से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बसा राजस्थान राज्य का सर्वप्रथम रेलवे केंद्र बांदीकुई। बांदीकुई शहर की यात्रा को प्रारंभ करते हैं रेलवे स्टेशन बांदीकुई जंक्शन से। बांदीकुई जंक्शन राजस्थान राज्य के सबसे व्यस्त एवं महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में एक है। बांदीकुई से देश के अधिकांश महत्वपूर्ण शहरों में आवागमन हेतु सीधी रेल सुविधाएं उपलब्ध हैं। बांदीकुई जंक्शन का पश्चिमी द्वार रेलवे कॉलोनी की ओर खुलता है। रेलवे स्टेशन से पूर्व की ओर बाहर निकलते ही सिकंदरा मार्ग दिखाई पड़ता है। यहां से दक्षिण में सिकंदरा से आने वाला मार्ग पूर्वोत्तर की ओर बांदीकुई शहर की ओर प्रवेश करता है। सिकंदरा मार्ग शहर के महत्वपूर्ण मार्गों में एक है। इसी मार्ग पर थाना बांदीकुई का परिसर भी स्थित है। यह मार्ग पूर्णतः व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र है। बांदीकुई शहर एवं शहर में समा चुकी ग्राम पंचायतों को जोड़कर बांदीकुई शहर में वर्तमान में लगभग 65,000 की जनसंख्या निवास करती है। यह जनसंख्या के दृष्टिकोण से दौसा जनपद में दौसा के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा शहर है। बांदीकुई में राजपुताना का प्रथम रेलमार्ग आगरा से बांदीकुई के मध्य निर्मित किया गया। 20 अप्रैल 1874 को आगरा से बांदीकुई के मध्य प्रथम रेल संचालित की गई। रेलवे का बड़ा जंक्शन बनने के कारण यह तेजी से विकसित हुआ एवं एक शहर के रूप में आकार लेने लगा। सिकंदरा मार्ग पूर्वोत्तर में बढ़ते हुए पीडब्ल्यूडी तिराहे पर पहुंचता है। पीडब्ल्यूडी तिराहा शहर के व्यस्त स्थानों में एक है। यहां से उत्तर में राजबाजार आगरा फाटक की ओर एवं दक्षिण में राजबाजार हाई स्कूल मार्ग की ओर बढ़ जाता है। हाई स्कूल मार्ग शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सम्मिलित होता है। देश की स्वतंत्रता के पश्चात बांदीकुई राजस्थान राज्य का हिस्सा बना। बांदीकुई जयपुर जनपद की बसवा तहसील में सम्मिलित था। 1991 में जयपुर जनपद के पूर्वी क्षेत्र का विभाजन कर दौसा जनपद का सृजन किया गया एवं बांदीकुई दौसा जनपद का हिस्सा बना। एक वर्ष पहले ही बांदीकुई को तहसील का दर्जा प्रदान किया गया है। हाई स्कूल मार्ग दक्षिण में आभानेरी की ओर प्रस्थान कर जाता है। पीडब्ल्यूडी तिराहे से उत्तर की ओर राजबाजार में कुछ ही दूरी पर आगरा गेट फाटक स्थित है। आगरा गेट फाटक शहर के व्यस्त चौराहों में एक है। आगरा फाटक चौराहा से उत्तर पूर्व में सड़क बड़ियाल मार्ग, पश्चिम में स्टेशन मार्ग एवं पूर्व की ओर अस्पताल मार्ग स्थित है। अस्पताल मार्ग शहर के अंदरूनी क्षेत्रों की ओर जोड़ता है। आगरा फाटक से पश्चिम में जाने वाली सड़क स्टेशन मार्ग पूर्णतः व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र है। इस मार्ग पर कुछ ही दूरी पर बसवा मोड़ स्थित है। यहां से पश्चिम में सड़क अंडरपास से होकर रेलवे स्टेशन व रेलवे कॉलोनी की ओर एवं उत्तर में बसवा मार्ग बस स्टैंड से होते हुए अंबेडकर चौक पर पहुंचता है। अंबेडकर चौक बांदीकुई शहर का अति व्यस्त चौराहा है। यहां से पूर्व में सड़क गुढ़ा कटला मार्ग प्रारंभ होता है। अंबेडकर चौक के निकट ही उप जिलाधिकारी कार्यालय एवं अपर जिला न्यायालय परिसर आदि स्थित हैं। अंबेडकर चौक से उत्तर में जाने वाला बसवा मार्ग भी शहर के व्यस्त मार्गों में एक है। शहर की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा इस मार्ग से जुड़ा हुआ है। बांदीकुई दौसा जनपद अंतर्गत आने वाले 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में एक है। यहाँ के स्थानीय निवासी दौसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करते हैं। यह व्यापारिक दृष्टिकोण से दौसा जनपद में दौसा के पश्चात दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शहर है। बसवा मार्ग उत्तर में राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय से होते हुए बसवा, राजगढ़, अलवर, दिल्ली आदि की ओर प्रस्थान कर जाता है। अंबेडकर चौक से पश्चिम की ओर जाने वाली सड़क गुढ़ा कटला मार्ग शहर के रेलवे कॉलोनी के क्षेत्रों से सटकर गुजरता है। इसी मार्ग से सटी हुई बांदीकुई की ऐतिहासिक चर्च का परिसर भी स्थित है। गुढ़ा कटला मार्ग पश्चिम की ओर बाईपास मार्ग स्थित मुकरपुरा चौराहा से होते हुए गुढ़ा कटला की ओर प्रस्थान कर जाता है। बांदीकुई जैसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले शहर में आना एवं इसे कैमरे में संजोना एक यादगार अनुभव रहा।
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बांदीकुई शहर पर बना यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ साझा करें जो बांदीकुई शहर अथवा इसके आसपास के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक आपका मित्र मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।